S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। प्रदेश में हुआ गणपति बाप्पा का आगमन। सिलवासा पुलिस मुख्यालय निकट स्थित मंदिर पर दादानगर अवले SP शरद दराड़े जी के कर कमलों से बाप्पा के मूर्ति की हुई स्थापना। 13 सितंबर के रोज पूरे भारत भर की तरह दादानगर अवली प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणपति बाप्पा के आगमन पर जनता में धूम मची रही। इसी के चलते सिलवासा पुलिस मुख्यालय निकट हनुमान दादा मंदिर पर दादानगर अवली SP शरद दराड़े जी के कर कमलों से गणपति बाप्पा के प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां पर SP जी का पूरा परिवार DYSP मनोज विजय जी एवं पुलिस विभाग के सभी अधिकारी खास तौर पर मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं तमाम दादानगर हवेली पुलिस की तरफ से तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गणपति बाप्पा सबके विघ्न हरे और सबके जीवन में सुख प्रदान करें। जहां गणपति पूजा की धूम आज पूरे दादानगर हवेली में बसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे? इस पावन दादानगर हवेली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल करा जाएगा। हमारा सहयोग दादानगर हवेली जनता के साथ रहेगा। सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी के परिवार द्वारा बड़ी धूमधाम से बापा को अपने घर पर लाया गया। पूरे प्रदेश में जहां गणपति बापा के आगमन पर धूम मची है, तो वहीं सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी के परिवार द्वारा भी अपने घर पर गणपति बापा की मूर्ति की स्थापना कर आरती की गई। तो साथ ही अध्यक्ष जी ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। पूरे प्रदेश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो मैं दादरा नगर हवेली प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामना देता हूँ और सभी मंडलों को भी शुभकामना देता हूँ कि गणपति बाबा सभी लोगों को हमेशा सुख समृद्धि और शांति दे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। बुधवार के रोज बड़े ही भक्तिभाव एवं परंपरागत रूप से हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया गया। 12 सितंबर के रोज पूरे देश की तरह दादानगर अवली प्रदेश में भी महिलाओं द्वारा पूरे परंपरागत रूप से हरतालिका तीज का त्यौहार मनाकर अपने रीति रिवाज को बरकरार रखा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं परिवार की सुख शांति के लिए उपवास भी करती है। ऐसा ही नजारा हमारे चैनल के संवाददाता हेमंत मिश्रा जी के घर पर भी देखने मिला, जहाँ पर बड़े ही भक्तिभाव से इस पूजा को सम्पन्न किया गया। पंडित जी, किस तरह से हरतालिका तीज के बारे में आज जो पूरा भारतवर्ष यह मना रहा है, रात के 1:30 बज चुके हैं और यह प्रोग्राम आज लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि ये तीज जो है पार्वती जी जो है शंकर जी को पाने के लिए की थी। वो जो है अपनी सखियों के साथ वहाँ से गायब हो गई थी खाली शंकर जी को पाने के लिए और वन में चली गई, जहाँ पर खोजते इनकी सखियाँ इनको हरण करके ले गई थी। इसके लिए इसको हरतालिका की तीज के नाम से जाना जाता है। ये जो है औरतों के लिए सौभाग्य को देने वाला है, उनके पति की आयु को बढ़ाने वाला है, इसके लिए औरतें इसको करती हैं, जो कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध चीज है। इस करते वक्त महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, किस तरह का इसका विधान होता है? इसका विधान तो अलग अलग होता है। जो अगर निर्जला जैसे व्रत रहती हैं उसी तरह से उनको उसका फायदा होता है। ये सबके लिए है।